வேற டாபிக் நான் பேசலாம் நடந்துவாங்க பட்டாபட் சீதே கண்ணே இன்னொரு சீதே முடி आज हम कपड़े धो रहे थे, मेरे पापा ने कहा मेरे कपड़े धो दे। मैं और पुट्टू और हनी कपड़े धो रहे थे, बस वो हमने मशीन में कपड़े डाल दिए और उसके बाद हम आ गए तो पुट्टू नहाई थी। पुट्टू को अपने नहाने के बाद जो कपड़े थे वो डालने थे, तो वो जाके देखती कि मशीन में पैसे पैसे तैर रहे हैं। उसने भाग के आके कहा बुजी देखो मशीन में पैसे पड़े हैं, हमें यकीन ही नहीं हुआ। हमने कहा चल ना, कहाँ से पैसे आएंगे। और फिर वो उसने कहा नहीं सच में है। जब हमने जाके देखा तो पूरे मशीन में पैसे नोट 100-100 के 500-500 के तैर रहे थे, कुछ कपड़ों में फंसे हुए थे। बड़ी मुश्किल से हमने उसमें से पैसे निकाले। उस टाइम हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि ध्यान ही नहीं रहा, घबरा गए थे कि इतने पैसे मशीन में धुल गए, फट तो नहीं गए हैं। तो उस टाइम बिल्कुल किसी को ध्यान नहीं, हाथ कांपने लग गए और फटाफट सिर्फ पैसे निकालने पे लग गए। अब जब हमने पैसे निकाल लिए, मम्मी पापा को बुलाया और यहाँ पे मम्मी पापा लग गए दोनों नोटों को सुखाने के लिए। हंसी भी आ रही थी और ये भी सूखा, दुख भी हो रहा था, ले ये भी सूखा। और पापा मम्मी को समझा रहे थे और मम्मी पापा को समझा रहे थे कि नोट ऐसे नहीं ऐसे सुखाते हैं, और ऊपर से पापा हमें डांट पे डांट लगाए जा रहे कि तुम्हारे चक्रों में हुआ है ये सब कुछ। तो अपने का वो कपड़ा धो रहा था, नवा कपड़ा करा रही थी ना, बामा चड्डी गए थे बढ़िया, मैं देख लिया। तू तो ध्यान रखा सब काम। एक तो आपका इतना पैसा निकाला ढूंढ के हमने, ये पैसे मेरे पापा को याद नहीं थे कि कहाँ रख दिए, मेरे पापा खुद ढूंढ रहे थे। और एक जो है एक निक्कर थी, उस निक्कर की जेब में डाल दी और वो भूल गए कि ये निक्कर की जेब में मेरे पैसे भी रखे हैं। और इन चक्करों में फिर ये और निक्कर के साथ साथ ये भी धुल गए। और हमें ना एक एक नोट बड़ी सेफ्टी से अलग अलग करके सुखाने पड़ रहे थे, ये आपस में चिपके हुए थे, भीग गए थे तो आपस में चिपक गए। और वो तो शुक्र है ये नोट हमें टाइम से दिख गए, मशीन बस एक बार ही घूमी थी 15 मिनट के लिए। अब हनी भी आ गई है नोट सुखाने के लिए, और क्योंकि हैं काफ़ी सारे नोट थे जो आपस में चिपके हुए थे। मम्मी ने तो पहले ना मिट्टी में बिछा दिए थे कि मिट्टी में जल्दी सूख जाएंगे, फिर आइडिया मम्मी ने लगाया कि नहीं मैं चुन्नी बिछा देती हूँ और चुन्नी पे सुखाते हैं। और साथ ही साथ मेरे पापा भी उठा उठा के नोट ला रहे हैं और सुखा रहे हैं, क्योंकि ना कुछ नोट हमने दीवार पे भी पहले सुखा दिए थे, तो दीवार से उठा उठा के मेरे पापा ये नोट लेके आ रहे हैं। है देखो यहाँ पे दीवार पे भी हमने पहले सुखा दिए थे। मेरे को तो बड़ी हंसी आ रही थी कि हो क्या गया, कौन सा कांड हो गया आज हमारे साथ। अब सारी फैमिली लग गई, पुट्टू भी आ गई। और हाथ मार के देख मशीन में और पैसे मिलेंगे, खत्म सारे निकल गए। क्या कर रहे हो बुज्जी? अरे मैं सोच रही हूँ जल्दी से सूख जाए, कहीं आंधी आ गई ये भी उड़ ना जाए। सूख तो गए यार, जल्दी सूख गए नोट तो। ये देख है ना, हाँ सूख गए, बस थोड़े थोड़े गिल्ले हैं, थोड़ी देर की बात है फिर ये सूख जाएंगे। फिर इनको इकट्ठा करके गड्डी बना के रख देंगे वापस। हाँ, गड्डी बना गए यार, मैं तो टेंशन में आ गई थी यार, कुछ नोट फट ना गए और तू बहने गए उसमें कपड़ों में फंस गए, फट गए तो क्या करेंगे। 500-500 के भी नोट थे, 500 के तो चार ही नोट है। हनी चल देख इन नकल इकट्ठा कर फटाफट, शाम हो गई है। 500-500 के पहले कर, पाँच सौ के, अब 100-100 के ले नोट फटाफट, सीधे करना है, कहीं नहीं उल्टे सीधे मत करिए। मेरे पापा कई दिन से परेशान हो रहे थे कि मेरे पैसे गए तो गए कहाँ, उनको मिल ही नहीं रहे थे, वो खुद ही रख के भूल चुके थे। और अब आखिर में मिले तो इस तरीके से मिले कि वो धुल के मिले, मतलब है ना गजब की बात हो गई। हाँ बेटा जल्दी सूख गए, इकट्ठे कर रहे हैं इसको। हाँ कर लो कर लो कर लो, हाँ भी कर लो, एक के ऊपर एक रखते जाओ ठीक है। ऐसे। और अब गोलू भी लगा है अपनी सिस्टर की हेल्प करने फटाफट उठाने, लेकिन ये हेल्प कम करेगा और हमारे काम ज्यादा बिगाड़ रहा है। फटा है बस है ना, शुक्र है ये एक नोट फटा है बस, बाकी सारे नोट बच गए, नहीं तो आज हमारी पिटाई भी बहुत होती कि कपड़े धो रहे थे कपड़े चेक भी नहीं किए है ना गोलू। आज नाना हमारी पिटाई को देता, कितने सारे पैसे तुमने वॉशिंग मशीन में धो दिए। भाई हमारी गलती क्या है, नाना ने अपने कपड़ों में से निकाले नहीं, हमने सोचा भाई कुछ नहीं होगा, दीदी को दे दे, दे दीदी को दे दे, दे दे बेटा दीदी को दे, इकट्ठा कर लेंगे। ओ
ओहो ओहो यार गोलू माना कर इधर आ जो, नाना डांट लगा देंगे। चल तू यार इधर आ, मैं कर दी खट्टी, खड़ी हो। एक घंटा लगाएगी तू तो। कहाँ कहाँ बिखेर दिए गोलू। और पैसे इकट्ठे करके हनी अब दे रही अपने बाबा को। हाँ ये कह के नीचे धर दो, सीधे धर दे कह के नीचे, भारी वजन के नीचे ये जम जाएगा, फिर के नीचे रख दे फिर ये जम जाएंगे। बस अब ये सुबह तक ठीक हो जाएंगे एकदम प्लेन। तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। पैसे हमने गद्दे के नीचे रख दिए हैं, उस मेरे पापा यहीं पे सोएंगे इसी गद्दे पे, तो सुबह तक ये प्लेन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, और जो फट गया उसको हम चिपका देंगे। चलो जी आज के साथ हमारे साथ जैसा बीता बीता, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, भूलना मत, बाय बाय, कमेंट भी ज़रूर करना। लव यू ऑल।